सीओ साहब श्री एस आर मीना साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस मेडिकल कैंप को इस सुदूर इलाके में ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, चेकिंग कर रहे हैं, सीआरपीएफ के भी हैं, सिविल डॉक्टर्स भी हैं। और इस सुदूर इलाके में कैंप लगाने का एक यही मकसद होता है कि आप दूर दराज के इलाकों में यहाँ से लोग उठ के मेडिकल कॉलेजेस में या सिटीज में नहीं आ सकते हैं, या फिर उनको अपने किसी डिजीज़ के बारे में कुछ जानकारी हासिल भी नहीं होती, इतना ध्यान भी नहीं रखते हैं अपना। तो यहाँ अगर उनके डोर स्टेप पर ये कैंप ऑर्गेनाइज होता है तो इसी बहाने से उनको यहाँ ले आया जा सकता है, वो चेक करा सकते हैं अपने आप को। अगर लगता है उनको कि यहाँ कोई परेशानी है तो उनको रेफ़र किया जा सकता है बड़े। और एक ये है कि अगर कोई सीरियस डिजीज़ है तो उसका एक एडवांस आपको पता चल सकता है अगर आपके डोर स्टेप पर आके कोई डॉक्टर्स जो हैं वो आपको चेक करते हैं। तो ज़िला इंतजामिया की तरफ, जैसे आप जानते हैं पीएचसी के जितने डॉक्टर्स हैं यहाँ पर आकर यहाँ इनको हेल्प कर रहे हैं, इसके अलावा भी जहाँ से जो भी लोग रेफ़र किए जाएंगे वो तो अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही जाएंगे, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप, इसके अलावा भी मेडिसिंस भी उन्होंने रखी हुई होंगी, या इसके अलावा अगर चाहिए होंगी तो जहाँ जैसे जैसे सीआरपीएफ के सीओ साहब को अलग अलग जगह पे कैंप लगाते जाएंगे उनको लगेगा कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये वाली मेडिसिन चाहिए, तो ये मुझे बताएंगे, मैं तुरंत इंतज़ाम कर दूँगा उसके। थैंक यू। जैसा कि आज ये जो सिविक एक्शन प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 72/9 सीआरपीएफ की तरफ से, ये प्रोग्राम गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार श्री संदीप खिरवार आईपीएस आईजीपी जम्मू सेक्टर की तरफ से निर्देश मिला है कि हर जो दूर दराज क्षेत्र हैं, पूंछ राजौरी के जो गांव है जहां पर लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है, वहां पर जा नहीं पाते हैं हॉस्पिटल और डॉक्टर स्टाफ, ऐसे में जा कर के वहाँ उस इलाके में जाकर लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना, साथ ही उनको ऐसे जो मल्टीविटामिन्स जो नी उनको मिल पाते हैं, महिलाओं में कई बार देखते हैं आयरन और छोटी मोटी जो बीमारियां हो जाती है उनके बारे में पूरा चेकअप होगा। चेकअप के साथ साथ अगर मान लीजिए उनको ज़्यादा गंभीर बीमारी है तो वो आगे फर्दर जो उनको रेफ़र करवाएंगे जीएमसी या और आगे भी उसको परचू करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा मेडिकल कैंप करने का मकसद होता है कि जितने भी दूर दराज गाँव हों वहाँ के लोगों को ये सुविधाएँ उपलब्ध हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब जैसे कई आप देखते हो बड़े बुजुर्ग हैं जो जा भी नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी हमने स्पेशली यहाँ पर सारी चेकअप व्यवस्था की है, और जो उनसे रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं चाहे घुटने की परेशानी हो, आज तक देखते हो बीपी के है, कोलेस्ट्रॉल की है, दुनिया भर की बीमारियाँ हैं, महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है, मल्टी विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सब हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारा मेन मकसद है, और आगे भी हमारे कैंप ऑर्गेनाइज होंगे, कल डांगरी के पास अंदराल वहाँ होगा, फिर जो नया जीएमसी बन रहा है उससे आगे गांव है मेरा वहाँ होना है, नौशेरा में होना है, सुंदरबनी होना है, ऐसे करके 6 कैंप हमने अभी ऑर्गेनाइज करने हैं इस जनवरी और फरवरी दोनों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए दलोड़ी में आए हो, बहुत फार फ्लंग एरिया है हमारा, कम से कम 30 किलोमीटर दूर पे हम रहते हैं। आज जो बस्तर बटालियन सीआरपीएफ ने जो कैंप लगाया है हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से हमारे इस एरिए में ऐसे कैंप लगते रहें और हमारे लोगों को सहायता होती रहे। मैं यहाँ पे हमारी आर्मी है, आर्मी से भी गुजारिश करेंगे कि वहाँ पे भी कैंप लगाएं। डी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम, जिस तरीके से हमारे फार फ्लंग एरिया को भी देखा जा रहा है।